बिस्मिल्लाह रहमान रहीम जी। क्लास लास्ट क्लिप में हम लोगों ने जो है अपनी जीआई ड्रा की, और जो ड्रा का बटन था उसके बैक एंड पे एक रेक्टेंगल ड्रा की। अब हम लोग ट्रांसलेट के बटन के बैक एंड पे काम करते हैं और जो है ना अपना ट्रांसलेशन का कोड लिखते हैं, सिंपल ट्रांसलेशन का। हमारे ट्रांसलेशन के बटन के सबसे बैक एंड पे सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इसका एक्शन लिसनर कॉल करते हैं, पीटीएम ट्रांसलेट डॉट एड एक्शन लिसनर, न्यू एक्शन लिसनर, एक्शन परफॉर्म। एक्शन परफॉर्म के अंदर हमें ट्रांसलेशन जब हम अप्लाई करनी होती है तो देखा है कि हमें एक तो पॉइंट चाहिए होता है, फिर हाइट और वेट चाहिए होगी, और फिर ट्रांसलेशन के जो हमारे वैल्यूज हैं ट्रांसलेटेड पॉइंट जो होता है वो चाहिए होता है हमें। तो सबसे पहले हम उसी तरह से एक्स वाई और हाइट और वेट की वैल्यूज़ को गेट कर लेते हैं। तो वो मैं यहाँ से ही कॉपी कर लेते हैं इसी कोड को, इस कोड को कॉपी करके अपने हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो ये चारों चीज़ें इन्हीं टेक्स्ट फील्ड से हमें चाहिए थी। उसके बाद ये हमें चाहिए है इंट टी टी एक्स, जो कि हमारा होगा इंटीजर, डॉट पार्स पार्स इंट, और ये आएगा जी हमारी जो टेक्स्ट फील्ड थी एक्स टी के नाम से, उसकी वैल्यू जो होगी टी एक्स टी, टी एक्स टी एक्स टी। ठीक है, डॉट गेट टेक्स्ट, देन हमें इसे की वाई वैल्यू भी चाहिए जो ट्रांसलेट किया, इंट टी वाई इज इक्वल टू इंटीजर डॉट पार्स पार्स इंट, और यहाँ पर वैल्यू आएगी हमारी टी एक्स टी जो वाई टी के हमारी टेक्स्ट फील्ड है, डॉट गेट टेक्स्ट। ये चीज़ें हमें चाहिए हैं। अब हम एक ट्रांसलेट का एक फंक्शन लिख लेते हैं जो हमारे इनकी बेस पे एक रेक्टेंगल, जो हमारी रिक्वायर्ड रेक्टेंगल है ट्रांसलेट होने के बाद, वो ड्रा करेगा। ठीक है, तो हम एक फंक्शन लिखते हैं क्लिक वाइट, फंक्शन का नाम लिखते हैं जी ट्रांसलेट, और आर्गुमेंट ये जो फंक्शन है क्या आर्गुमेंट लेगा, एक तो पॉइंट लेगा, पॉइंट का ऑब्जेक्ट लेगा पॉइंट पी, देन हमारे पास जो है हाइट हाइट और वेट भी लेगा इंट डब्ल्यू इंट हाइट, देन इंट टी एक्स और टी वाई की वैल्यू भी हमारे से लेगा, और एक ग्राफिक्स का ऑब्जेक्ट एज ए आर्गूमेंट ले रहा होगा, और उनकी बेस पे हमारी जो है ना ट्रांसलेटेड जो ऑब्जेक्ट होगा वो ड्रा करेगा। ठीक है, तो int tx कॉमा int ty, देन ग्राफिक्स का एक ऑब्जेक्ट ग्राफिक्स g। तो ये एज ए आर्गुमेंट लेगा, और अब क्योंकि हमारा जो पॉइंट है वो उसने ट्रांसलेट होना है, तो हम अपने ड्रा लाइन के फंक्शन को यूज़ करने के लिए हमें चार नए पॉइंट्स बनाने पड़ेंगे जो ट्रांसलेटेड होंगे।
तो चार पॉइंट्स बनाते हैं। सबसे पहले पॉइंट पी वन इज इक्वल टू, जो हमारा पी वन पॉइंट होगा वो क्या होगा, हमारा जो पहला पॉइंट होता है रेक्टेंगल का वो हमारा ओरिजिनल पॉइंट होता है, लेकिन ट्रांसलेशन में हम लोगों ने देखा था कि टी एक्स और टी वाई, एक्स और वाई में हम लोग ऐड करेंगे। तो हम न्यू पॉइंट बनाते हैं, न्यू पॉइंट यहाँ पर पी डॉट एक्स प्लस टी एक्स, इसी तरह से पी डॉट वाई प्लस टी वाई, तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा इसे, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट हम अपने लिखते हैं जी, तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लिख लेते हैं जी, हम लोगों ने ये फंक्शन लिख लिया है, अपना पॉइंट पी टू बनाया है। पी टू हमारा पॉइंट किस तरह से जनरेट हुआ, एक्स की वैल्यू में हमने टी एक्स ऐड किया और विड्थ ऐड कर दी, ठीक है। तो हमारी अपर लाइन के लिए जो हमारा पी टू है वो जनरेट हो जाएगा, और वाई की वैल्यू में टी वाई ऐड कर दिया। इसी तरह से पी थ्री के लिए हमने एक्स में टी एक्स ऐड किया, विड्थ ऐड की और वाई में टी वाई ऐड करने के बाद हाइट भी ऐड किया। तो पी फोर के लिए हम लोगों ने क्या किया जी, एक्स में टी एक्स ऐड किया और वाई में टी वाई ऐड किया और हाइट ऐड की। तो इसकी मदद से हमारे चार पॉइंट जनरेट हो चुके हैं। और फिर देन हम लोगों ने क्या किया है, जी डॉट ग्राफिक्स के ऑब्जेक्ट की मदद से ड्रा लाइन, अपर लाइन ड्रा की है, फिर जो हमारी राइट लाइन थी वो ड्रा की है, देन फिर बॉटम लाइन और फिर लेफ्ट लाइन ड्रा की, और इस तरह से हमारी रेक्टेंगल ड्रा हो जाएगी। अब हमने इस फंक्शन को जो हमारा ट्रांसलेट का फंक्शन है, ये इसको हमने अपने बटन के बैकएंड पे कॉल भी करना है, तो हम इसको कॉल करते हैं हमारे इस एक्शन परफॉर्म में। तो यहाँ पर हम लोग ट्रांसलेट को कॉल करते हैं, हमारा जो ट्रांसलेट का फंक्शन है तो ये पॉइंट ले रहा है, तो यहाँ पर हमने पॉइंट भेजना है, तो पॉइंट न्यू पॉइंट जनरेट करते हैं एक्स और वाई की मदद से, तो एक्स और यहाँ पर वाई, और विड्थ में हम लोगों ने डब्ल्यू जो हमारा विड्थ आ रही है जिस टेक्स्ट फील्ड से वो पास की, हाइट में एच पास किया और टी एक्स की वैल्यू पास की, देन टी वाई की वैल्यू, और ग्राफिक्स की जगह पे पैनल डॉट ग्राफिक्स करना है, ठीक है। पैनल डॉट गेट ग्राफिक्स हमने किया, ग्राफिक्स का ऑब्जेक्ट, तो ये हमने ट्रांसलेशन परफॉर्म कर लिया। तो इसको एग्जीक्यूट करके एक बार देख लेते हैं, तो हमने जब इसको एग्जीक्यूट किया तो हम देखते हैं, सबसे पहले हमने ड्रा किया और न्यू पॉइंट जो हमारे हैं 100 100 है, इस पर ट्रांसलेट का फंक्शन अप्लाई किया तो ये अप्लाई हो गया। अगर हम पॉइंट चेंज करते हैं तो यहाँ पर मैं 150 करता हूँ, तो फिर देखते हैं जी, फिर जब हमने ट्रांसलेट अप्लाई किया तो ये ट्रांसलेशन अप्लाई हो गया। तो हमने अभी स्केल का और रोटेट का फंक्शन के बैकएंड पे कोड लिखना है, तो वो करते हैं जी। तो अब हम स्केल के बटन के बैकएंड पे कोड लिखते हैं, सबसे पहले इसका एक्शन लिसनर ऐड करते हैं, btn स्केल डॉट ऐड एक्शन लिसनर, न्यू एक्शन लिसनर, और इसके बैकएंड पे हम लोगों ने क्या करना है जी, इसका कोड लिखना है। स्केलिंग हम लोगों ने देखी थी, जब स्केलिंग अप्लाई करते हैं तो हमें हाइट
और वेट चाहिए होगी, और जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था, जो है इनिशियल पॉइंट था, वो पॉइंट चाहिए होगा, और जो स्केलिंग के लिए हमने वैल्यूज स्केल एक्स और वाई की वैल्यूज दी हैं वो रिक्वायर्ड होंगी। तो एक्स वाई और वेट और हाइट के लिए वही कोड कॉपी पेस्ट करते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये एक्स वाई और वेट और हाइट के लिए, क्योंकि ये कोड सेम था, तो इसके बाद हमें क्या वैल्यू चाहिए है, इंट एस एक्स की वैल्यू चाहिए, जो कि हमारे पास इंटीजर जो हमारी टेक्स फील्ड है डॉट पार्स परसेंट टेक्स फील्ड एस डॉट गेट टेक्स्ट। देन फिर हमें वैल्यू चाहिए है एस वाई की, इंट एस वाई इक्वल टू इंटीजर इंटीजर डॉट पार्स इंट और टी एक्स टी एस वाई डॉट गेट टेक्स्ट। देन हमें एक फंक्शन चाहिए है जो हमारे इनकी बेस पे हमें स्केलिंग करके जो हमारी शेप है वो ड्रा हो। तो हम लोगों ने एक फंक्शन देखते हैं, हमारे पास एक फंक्शन है स्केलिंग का। ये स्केलिंग फंक्शन क्या करता है जी, ये एक पॉइंट ले रहा है, पॉइंट पी एज आर्गुमेंट, विड्थ हाइट और डबल जो है एस एक्स और जो है हमारे पास डबल एस वाई। तो जो हमारे स्केलिंग की वैल्यू है वो डबल्स में होगी, हमने वहाँ पर इंटीजर में ली है तो इसको भी चेंज करते हैं, और ग्राफिक्स का ऑब्जेक्ट एज आर्गुमेंट ले रहा है। उसके बाद उसी तरह से पॉइंट जनरेट कर रहा है स्केलिंग का फार्मूला अप्लाई करते हुए। पहला पॉइंट तो जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा वही होगा क्योंकि, और उसके बाद जो सेकेंड पॉइंट हमारा आ रहा है वो पी एक्स प्लस विड्थ मल्टीप्लाई बाई एस एक्स हो रहा है, और पी वाई इसी तरह से है, पी डॉट वाई इसी तरह से। देन फिर थर्ड पॉइंट हमारे पास आएगा एस एक्स प्लस विड्थ मल्टीप्लाई बाई एस एक्स एंड वाई प्लस एच मल्टीप्लाई बाई एस वाई। जो एच है ये हाइट है, और विड्थ जो है डब्ल्यू जो है वो विड्थ है। देन फिर हमारे पास जो फोर्थ पॉइंट आएगा पी एक्स पी डॉट एक्स इसी तरह से होगा, और पी डॉट वाई प्लस हाइट एच इंटू एस एक्स हो जाएगा। ये हमारे पास चार पॉइंट्स नए पॉइंट जनरेट होंगे, और इन पॉइंट्स की मदद से हम ड्रा लाइन का फंक्शन यूज़ करते हुए रेक्टेंगल अपनी ड्रा करेंगे, रिक्वायर्ड रेक्टेंगल। सबसे पहले जो हम लोग है ये डबल, क्योंकि एज आर्गूमेंट ले रहे हैं, तो हम यहाँ पर जो हम लोगों ने इंटीजर की बजाय इसको हमें डबल बनाना पड़ेगा, डबल, और यहाँ पर भी डबल। तो इसको डबल करने के लिए जी, तो हमने इसको पार्स डबल किया और टेक्स्ट फील्ड को एज ए डबल लिया। इसी तरह से हम इस वैल्यू को भी डबल करेंगे, डी ओ यू डबल, एंड डबल डॉट पार्स डबल। ठीक है, और अपने फंक्शन को कॉल करते हैं जो हमारा स्केलिंग का फंक्शन है। स्केलिंग फंक्शन को कॉल किया पॉइंट, क्योंकि हमने जनरेट करना है, तो न्यू पॉइंट और यहाँ पर वेट हाइट, और एस एक्स की जगह पे हमने जो वैल्यू पास करनी है एस एक्स की, देन एस वाई, और ग्राफिक्स की जगह पे पैनल डॉट गेट ग्राफिक्स। ठीक है, तो ये हमारा स्केलिंग का फंक्शन कंप्लीट हो गया,
अब हम जी इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। सबसे पहले हमने इमेज को ड्रा किया, उसके बाद स्केलिंग कॉल की, तो ये इमेज स्केल होके हमें शो हो गया। जी तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लिप में हम लोग रोटेशन के बैकएंड पे कोड करेंगे।